हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। अगर आपको ना पैरों के नसों में दर्द होता है, आपके पैरों के नस जो है ना ये दर्द दे रहे हैं आपको, इसकी प्रॉब्लम है, या फिर आपको ना नंबनेस यानी कि सुन्नपन होता है, या ऐसा फील होता है कि आपके पैरों पे ना कोई टच नहीं मारता है, या जैसे कहते हैं ना सुई चुभोता है, पिन चुभोता है, ऐसी फीलिंग होती है आपको, एकदम ना बहुत ज़्यादा बर्निंग या फिर जलन होती है आपके पैरों में, या कोई ऐसा ना लगता है कोई ऐसा मार रहा है ऐसी फीलिंग हो रही है, अचानक से ऐसा दर्द होता है कि कोई मारता है तो कैसा दर्द होता है, एकदम ऐसा स्टैप करता है तो एकदम ऐसा दर्द होने लग जाता है, वैसा दर्द हो रहा है आपको पैरों में। तो ये सारे सिम्टम्स है कि आपके पैरों की जो नसें हैं ना ये डैमेज हो चुकी है। ये सारे क्या सिम्टम्स है कि आपके पैरों की जो नसें होती है ना इनमें कोई ना कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी ये होता क्यों है, इसके कॉजेस जाने, तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये आपको हो सकता है, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उन जो ट्रीटमेंट की वजह से कि आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से ना उसका साइड इफेक्ट्स हो जाता है आपको, आपको उसकी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। आपके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी ये हो सकता है आपको। आप ना बहुत देर तक एक जगह पर खड़े रहते हैं या एक जगह पर बैठे रहते हैं उसकी वजह से हो सकता है, आपकी पैरों की नसों पर ना ट्रॉमा हो जाता है, स्ट्रेस पड़ जाता है। आप ना बहुत टाइम से अगर अल्कोहल पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अभी चलिए जानते हैं इनके बारे में, इनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो हम ना आज तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके, और हाँ हो सके इतने लोगों तक प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर जरूर क्लिक करिएगा। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा है हमारा इंस्टाग्राम पेज, आप यहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर रोज नए नए एक्यूप्रेशर पोस्ट शेयर करते रहते हैं या फिर मुद्रास हम शेयर करते रहते हैं जो कि ना आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। और हमारा ना अभी पिंटरेस्ट पेज भी स्टार्ट किया है हमने, अगर आप उसे भी जाके फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसकी भी आपको सभी की लिंक्स ना आपको वहीं पर मिलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमसे जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर ना वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ना देखिए यहाँ आता है, हमारे पैरों का जो निचला भाग है ना वहाँ आता है। ये देखिए आपको ये पूरा ऐसा दोनों साइड पर ये हार्ट जैसा फील हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ आता है ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है किडनी वन। यहाँ हम क्या करेंगे, लेंगे जिमी से इस पॉइंट को अच्छे से प्रेस करेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये दोनों भी पैरों पर आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसे अपना 30 सेकंड्स टू 1 मिनट दिन में एक से दो बार प्रेस कीजिएगा। चलिए अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट देखिए कहाँ आता है, हमारी ये जो बड़ा टो है, बिग टो, और इसके बाजू में ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, इन दोनों के बीच में हम जाते जाए तो यहाँ पे ना आपको एक होल जैसा दिखेगा, वहाँ आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है लिवर 3 का पॉइंट, ठीक है। इस भी पॉइंट को अपना 30 सेकंड्स टू 1 मिनट अच्छे से प्रेस कीजिएगा। ये वाला पॉइंट भी ना दोनों भी पैरों पर आता है, ठीक है, अच्छे से इसे प्रेस कीजिएगा। चलिए अभी जानते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। अभी हमारा थर्ड पॉइंट देखिए, हमारा थर्ड पॉइंट ना ये छोटी उंगली की तरफ बाहर साइड आता है, ठीक है, ये आपको ये गोल सा दिख रहा है, इसी के जस्ट बाजू में यहाँ पर आएगा पॉइंट, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये गोल सा है, इसी के जस्ट बाजू में यहाँ पर है ये पॉइंट, यहाँ पर भी ना हम इस पॉइंट को अच्छे से 30 सेकंड्स टू 1 मिनट प्रेस करेंगे। आप ऐसे ही प्रेस कर सकते हैं या फिर आप एक जिमी लीजिए और इसे अच्छे से प्रेस कीजिए। देखिए हम यहाँ पे भी ऐसे ही प्रॉपरली प्रेस करेंगे, ठीक है, इसे अच्छे से प्रेस कीजिएगा। ये भी दोनों भी साइड पे आता है, दोनों भी पैरों पे आएगा ये वाला पॉइंट भी। तो ये थे हमारे तीनों पॉइंट्स, आप ना इनका रोज यूज करिएगा। अगर आपको भी ना एक्यूप्रेशर सीखना है,
अगर आप ना सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं या अलग अलग प्रकार के एक्यूप्रेशर के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये दोनों साइट पर देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उनकी डिटेल के साथ साथ प्राइस भी मेंशन की है यहाँ पे। ये सभी जो हम अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप्स करते हैं ना, आप इन्हें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे जो है ना, ये एक टाइम पीरियड के साथ नहीं आते, यानी कि आपको ये टाइम पर ही इसे देखना है या इतना इतना ही देर आप इसे देख सकते हैं, एक महीने दो महीने, ऐसी नहीं है। आप इन्हें जिंदगी भर में आप कभी भी इन्हें देख सकते हैं। आपने एक बार ज्वाइन किया, आप क्या कीजिए ना, अगर आपको इनके बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में कि इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा क्या नहीं, ये सब जानकारी देंगे। उसके बाद ना, अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपने हमें अगर फी पेमेंट कर दी, आप हमें स्क्रीनशॉट उसका सेंड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ना, हम आपको सारी जो जितने भी वीडियोस है, अगर वो 8 डेज का है या 6 डेज का है, तो उसका पूरा ड्राइव लिंक आपको दे देंगे। तो आप उस ड्राइव लिंक को आप अगर एक बार क्लिक कर देंगे ना, तो वो आपकी ईमेल में स्टोर रह जाएगा, यानी कि आपके ड्राइव के अंदर वो स्टोर रह जाएगा, फिर आप उसे कभी भी देख सकते हैं। और ये सारी जिंदगी भर के लिए है, आप इन्हें कभी भी कहीं पर भी आराम से देख सकेंगे, ठीक है। अगर आपको भी इसे ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। इस ट्रीटमेंट को आप डेली जरूर कीजिएगा, और अगर आपको भी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।